अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आज आए हुए मौलाना हादी साहब हमारे चैनल पर, हम इनका खैर मकदम करते हैं और ये हमसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, जैसा कि मैं बतला दूँ आप तमाम हज़रात को, ये हमारे हकीम मोहम्मद मुश्ताक साहब मोहम्मदिया जड़ी बूटी सेंटर से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे हमारा तकरीबन 20 अक्टूबर 2019 से रबता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कई पेशेंट और कई मरीज़ों को इनका फ़ायदा होते हुए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं कि हकीम साहब, आपने ये हकीम जो शुरू किया है, आपका ये इससे कैसे नाता जुड़ा, कब से आप इसका इससे ताल्लुक़ है, ज़रा आप बतलाने की ज़हमत करें। देखिए, जो आपने कहा है कि जैसे कैसे आपका इससे रिश्ता मजबूत हुआ, कैसे ताल्लुकात इससे जुड़ा, ये हमारा जो है असल ख़ानदानी सिलसिला है और हमारे ख़ानदान में ऐसे कईयों लोग, कई बुज़ुर्गान दीन जैसे गुजर चुके हैं कि जो इस सिलसिले से जुड़े हुए थे और ये जो बड़ी ही यानी दिलचस्पी रखते थे इससे, तिब नबी से और इससे तिब से, तो इसी ताल्लुक़ से हमारे भी सिलसिले में इसमें मजबूती कायम हुई और इंशाल्लाह हम इसको संभाल रहे हैं और पाए तकमील तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि हमने देखा इनको कई बार कि हमें ये खुद मिठाई खिलाए हैं, ख़ास तौर से उन बच्चों, उन औरतों के जिनके हमल नहीं रुकता था, जिनके बच्चे नहीं होते थे, एक दो बार नहीं बल्कि कई बार, और इसी तरीक़ा से हमारे ये हकीम साहब भी बजाते खुद स्टोन इनके किडनी में पत्थर है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारिला इन्हें शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। लेकिन मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि हम बतलाना चाहते हैं कि इन्होंने हमारे सामने ही तकरीबन 18 से 20 पत्थर खुद अपनी दवा और इलाज के ज़रिए से निकाला है और इनके अंदर जो पथरी बनती है, इनके अंदर सोडियम, कैल्शियम और इसी तरीक़े से और भी कुछ प्रॉब्लम है जिससे पथरी बनती रहती है। और इसी तरीक़े से नाज़रीन, मैं बतलाना चाहता हूँ कि इनके पास एक पाउडर है जो नायाब है, जो हमारे ख्याल से कहीं नहीं मिलेगा, ये इनका प्रोडक्ट है और अल्लाह के फजल करम से वो ऐसा प्रोडक्ट है कि जिन भाइयों को गैस के ताल्लुक से प्रॉब्लम होती है या खाना पचाने के ताल्लुक से या उनका लेटरिन और संडास के ताल्लुक से प्रॉब्लम होती है, अल्लाह के फजल करम से वो मिक्स पाउडर के नाम से एक पाउडर है जो इनका अपना प्रोडक्ट है, बड़ा ही कामयाब और नायाब नुस्खा है। तो सबसे पहले हम हकीम जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो स्टोन है, आपकी जो पथरी है, ये क्यों, ये कैसे होता है और आप इसको कैसे अपने खारिज करते हैं, ये आपके पथरी कैसे गिरता है और बार बार क्यों बनता है, ये आप हमें द्वारा बतलाएं। देखिए, जैसा कि मौलाना हदीस साहब ने मुझसे जानकारी ली है कि हिकमत के एतबार से, जैसा आपको इसके एक्सपीरियंस के ताल्लुक से, यानी ये इसका आप रीज़न बताइए कि जैसा ये आपको बार बार क्यों होता है या हर पेशेंट को ये बीमारी आम हो चुकी है, जैसा ये बार बार क्यों बनता है। तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हमारी बॉडी में असल में कुछ चीज़ें ऐसी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है, जैसे कि सोडियम का ज़्यादा हो जाना, कैल्शियम का ज़्यादा हो जाना और इसी के साथ साथ अगरचे मैग्नीशियम अगरचे आपकी बॉडी में ज़्यादा पहुँच रहा है गिज़ा की वजह से, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। और इसका सही तरीका इलाज ये है कि पानी का सेवन हमें ज़्यादा करना चाहिए और इसके अलावा इसमें जो एहतियात है तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। इसी वजह से मैं इस पर पूरा जमा हूँ और एहतियात करता हूँ, इसलिए मेरा स्टोन जो है तो मेरी ही दवाई से बआसानी निकल जाता है। और रहा सवाल सिलसिले का, तो उसको आपको बंद करना है परहेज कर, तो इस वजह से होता है क्योंकि हमारी किडनी का जो फंक्शन होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर इसका दो ही चीज़ों पर जो है तो ज़्यादा वर्क होता है, जैसे कि खून को अच्छी तरीके से फ़िल्टर करना और पेशाब को जो है तो मसाना के ज़रिए से खारिज करना। लेकिन अगरचे हम किडनी को ज़्यादा वर्क देते हैं, ज़्यादा पानी पीते हैं, तो जिसकी वजह से किडनी वाश रहती है और किडनी साफ़ रहती है। और इसके अलावा आपको यूरिन इन्फेक्शन भी नहीं होगा, अगरचे आप पूरे तरीके से अच्छे ठीक तरीके से जितना आपके बॉडी को पानी होना सुबह से शाम तक उतना पानी पिएंगे और एहतियात करेंगे और दवाई लेंगे। तो जैसा हर पेशेंट के साथ में ये होते रहता है, तो उसको इन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए। जज़ाकअल्लाह खैर। अच्छा हकीम साहब, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि आपने हमें कई मरतबा मिठाई खिलाए हैं, कभी पेड़े की शक्ल में, कभी और बिस्किट की शक्ल में, तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि अब तक आपके हाथों से, आपके दवा से कितनी, तकरीबन कितनी औरतों का इलाज हो चुका है। देखिए, जो आपने सवाल किया है कि कितनी औरतों का इलाज हुआ है, तो असल मसला ऐसा है कि जो औरतें जिनको, जिनके हमल बार बार गिर जाते हैं, साकित हो जाते हैं, उसके पीछे एक रीज़न होता है। जिन ख़वातीन को औलाद
होती ही नहीं, हमल ही नहीं ठहरता, उसके पीछे एक रीज़न होता है। सबसे अहम रीज़न मैं आपको शॉर्टकट में बताता चलूँ ताकि वीडियो तवील ना हो जाए। तो सबसे पहले नाज़रीन के ख़वातीन का ये देखा जाए कि उसका एमसी पीरियड क्लियर आता है या नहीं। अगरचे वो उस मामले में क्लियर है उस तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगरचे उसका कोई हार्मोन्स प्रॉब्लम है या उसमें अगरचे बच्चेदानी में कोई सूजन है तो ये भी उसका हमल गिरने का एक जो वजह होती है, रीज़न होता है। और दूसरी ख़वातीन के बारे ताल्लुक़ से कि जिन ख़वातीन को हमल ठहर ही नहीं पाता है तो उनको पीरियड के अंदर बेकायदगी, और उसके पीछे दूसरा रीज़न ये भी है जैसा कि मैंने शुरू में बताया हूँ आपको कि उनके जो है हार्मोन्स में गड़बड़ी हो जाती है और वहाँ गांठें बनने लगती है। अगरचे इस मामले के अतबार से ख़वातीन पूरी तरीके से ठीक क्लियर है तो हमें जो है तो मर्द की तरफ देखना पड़ेगा कि अगरचे उसके स्पर्म कम है या उसके शिकराणु मर चुके हैं, उसके पेट में उसके मैदे में ज़्यादा गर्मी है जिसकी वजह से उसके स्पर्म कम हो रहे हैं, तो उसका एक चेकअप करा के उसका एक मुआयना करा के उसका इलाज हम कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर। चलते चलते आपसे जाने की कोशिश करूँगा कि मोहतरम हज़रात, मैं आपको बतलाने की भी कोशिश करूँगा कि हमारे ये हकीम मोहम्मद मुश्ताक साहब का एक यूट्यूब चैनल है जो हकीम मोहम्मदिया जड़ी बूटी सेंटर के नाम से यूट्यूब पर आप सर्च करके अपना इलाज कर सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, उस चैनल के ज़रिए से हमें मालूम है तकरीबन कई दहाई में लोगों ने इनके ज़रिए से दवा मंगाया और अल्हम्दुलिल्लाह उनका इलाज हुआ है। ख़ास तौर से वो पेशेंट जो गुप्त रोगी हैं या नामर्दी के शिकार हैं, बहुत सारे लोगों ने इलाज कराया और उनका फ़ायदा हुआ। अगर आप में से किसी को भी इस किस्म की परेशानी हो, औरत का मैटर हो या गुप्त रोगी या और भी किसी किस्म के इलाज का मसला हो, तो इंशाअल्लाह जीज़ हमारे सकीम साहब को ज़रूर एक बार खिदमत का मौका दें। आखिर में मैं मोहतरम से एक ही सवाल करता हूँ कि बराए मेहरबानी जो आपका नायाब पाउडर, जो आपका नायाब मिस्क पाउडर के नाम से मशहूर है, उसके बारे में, उसके फ़ायदे और उसके कंटेंट के बारे में कुछ बताने की ज़हमत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए, जो अभी आपने सवाल किया है कि जो आपका जो नायाब प्रोडक्ट है जिसकी वजह से सारी दुनिया को फ़ायदा मिल रहा है, हमारे बहुत सारे पेशेंट ऑनलाइन वगैरह बुलाते हैं, तो असल में ये कोई ख़ास बात नहीं है। जब तो पेशेंट जैसा जब लेके जाता है तो ये उम्मीद से लेके जाता है तो इंशाल्लाह उसको शिफा मिलती है कि उसको शिफा मिलेगी, लेकिन असल में आपको इसमें जो कंटेंट है मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप बासानी उस पर घर पे बना सके। तो उसमें आपको हम वज़न ये चार चीज़ें लेना है और पांचवी चीज़ लास्ट में कम क्वान्टिटी में उसके अंदर आपको मिलानी है। सबसे पहले आपको सनाए मक्की लेना है 2 चम्मच, इसका पाउडर बना लें। और सनाए मक्की भी जो है तो मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है, तिब्बे नबी भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका आपको 2 चम्मच सनाए मक्की का पाउडर लेना है, काली हिरण का पाउडर आपको 2 चम्मच लेना है, बड़ी हिरण का पाउडर आपको 2 चम्मच लेना है, और ये 3 चीज़ें हो गई। और चौथी चीज़ उसमें आपको सेंधे नमक आपको 2 चम्मच लेना है। जिन हजरात को बीपी का प्रॉब्लम है, अगरचे उनकी बीपी की मेडिसिन चालू है, उनका बीपी बार बार बढ़ता है, तो सेंधा नमक उसमें कम कर दें, कोई मसला नहीं, या थोड़ी मिकदार में कर दें। और जो ये 4 चीज़ें हो चुकी है, और 5वीं चीज़ उसमें आपको मुस्तगी रूमी करके आती है जो कि हमारे मैदे और लीवर को तकवीत देती है और दीगर प्रॉब्लम से भी हमें जो है तो उसके जो है तो बचाती है। तो उसमें आपको डालना है 1 माशा, ऐसा मिलाकर ये सारी चीज़ें बारीक करके आप जो है तो उसको पाउडर बना लें। ये हो गया आपका मिक्स पाउडर। आपके 2 बजे रात की इमरजेंसी कोई भी तकलीफ हो पेट की, किसी डॉक्टर का सहारा आपको नहीं मिल पा रहा है, आप तड़प रहे हैं पेट के दर्द से, गैसेस के प्रॉब्लम से, सर के दर्द से, माइग्रेन से, और हाजमे की ख़राबी आपको है, पाचन क्रिया आपकी बहुत कमज़ोर है, आप रोज़ सोते समय इसको रोज़ाना 1/2 चम्मच नीम गर्म पानी के साथ में ले लें इंशाल्लाह। तो अगरचे आपको पुरानी कब्ज भी होगी, आपके चेहरे पर पिम्पल्स भी आते होंगे, और अगरचे आपको कब्जियत ज़्यादा बढ़ने की वजह से अगरचे पाइल्स का भी प्रॉब्लम होगा, चाहे सूखी हो या बादी हो इंशाल्लाह, चाहे खूनी हो, तो वो भी इससे इसके तरीके इस्तेमाल से बिल्कुल चंद हफ्ते इस्तेमाल कीजिए इंशाल्लाह निकल जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मोहतरम हजरात, हमारे इस भाई ने बड़े ही इत्मीनान बख्श जवाब दिया हमारे सवालों को। शायद मैं इस उम्मीद रखता हूँ कि आप भी इनके जवाब से खुश होंगे। आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि आप कभी इंशाअल्लाह हमारे सकीम हकीम मोहम्मद मुश्ताक साहब को एक बार खिदमत का मौका दें, इंशाअल्लाह आपका तशफ़ी बख्श इलाज किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।